जिंदगी में मैंने पहली बार भाई खेलने जा रहा हूँ, पहली बार खेलने जा रहा हूँ भाई टूर मोड, ना RC20 के अंदर ना RC22 के अंदर एक भी बार नहीं खेला, पर देखते भाई कैसे खेलते। पर मुझे टेस्ट मैच बहुत ही बोरिंग लगता है, मैं चाहूंगा टेस्ट मैच को स्किप करने का। पर देखते भाई इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या एनिमेशन वगैरह है, तो चलो स्टार्ट करते। पर देखते भाई टूर मोड है कैसा। भाई टूर मोड खेलने के लिए 500 टिकट चाहिए। लो भाई हमारे पास टिकट तो है, पर इतना टिकट पागल कर देगा लिटिल। पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐड देख के, नहीं तो भाई चैलेंज मोड कंप्लीट करके टिकट फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बात नहीं तो किसके साथ हम लोग पूर कह रहे, पहले अपना टीम इंडिया लेते हैं और अपोनेंट आई थिंक हम लोग लेते हैं पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ हम लोग जरूर खेलेंगे और एशिया कप तो जरूर खेलेंगे। नेक्स्ट मंथ से एशिया कप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, पर देखते हैं डिफिकल्टी हार्ड रहेगा T20 ओवर। सॉरी ये ODI है ना, सॉरी T20 और ODI तो 50 ओवर खेले क्या, चलो 50 ओवर ही खेलते हैं। और टेस्ट में 30 ओवर पार्ट डे, 90 ओवर पार्ट डे खेलने के लिए मेरे औकात नहीं है, पर 30 ओवर रखते हैं, छोटे छोटे रहेंगे, इज्जत से लाएंगे। चलो चलो भाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टेस्ट मैच हम लोग खेलेंगे चेन्नई पे, जो कि एक बार ही खेलेंगे, एक टेस्ट मैच ही खेलेंगे, और ODI खेलेंगे अहमदाबाद में और T20 कोलकाता में खेलेंगे। पर हाँ एक बार एक टेस्ट होगा सीरीज के लिए, और दो होगा यहाँ पे हमारा अहमदाबाद में होगा ODI और 3 T20 और नहीं खेलेंगे। तो बस यही भाई टूर खेलेंगे, क्योंकि ये टूर बहुत बड़ा है भाई। अब 10 तारीख, 22 तारीख और 19 तारीख, अच्छा 19 तारीख T20 होगा, अरे बाप रे, नहीं 22 तारीख होगा, सॉरी चलो हो जाएगा। टेस्ट मैच के लिए हम लोगों ने टीम ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, पर हाँ जब T20 ODI आएगा तब वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। अच्छा चलो इंडिया 16-man स्क्वाड फॉर टेस्ट, अच्छा चलो वार ऑफ वार कंटिन्यू बिटवीन द कैप्टन, नॉट लास्ट टाइम्स, क्या बात है, यही एनिमेशन था और कुछ नहीं है। पर टेस्ट मैच का पिच यहाँ पे देख सकते हो भाई, भाई पिच एकदम जबरदस्त है, पर देखना पड़ेगा हम लोग को क्या टॉस जीत पाते हैं। आई थिंक हम लोग को टॉस जीत के बॉलिंग लेना चाहिए, तब शायद कुछ फायदा मिल सकते हैं यहाँ पे। तो आज हमारा मैच है चेन्नई के मैदान पे, टेल्स दिया हम लोगों ने आई थिंक, चलो कौन जीता, अरे यार शुरुआत में यहाँ पे बैड न्यूज, उन लोगों ने टॉस जीतकर बॉलिंग लिया, हम लोग एक्चुअली बॉलिंग लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं हम लोग पहले बैटिंग करेंगे। मतलब सीजन के अंदर आई थिंक 30 ओवर का मैच होगा, डे वन के अंदर 30 ओवर का मैच। भाई टेस्ट मैच मतलब शांत मैच, मतलब शांत होकर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अफ्रीदी बॉलिंग करेगा और हमारे बल्ले पास रोहित शर्मा। अच्छा टेस्ट मैच के अंदर ग्राफिक्स कुछ अलग ही लग रहा है भाई, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है यहाँ पे, वाह। पर कोई बात नहीं, ये स्लीप टेस्ट मैच के अंदर स्लीप भाई सबसे खतरनाक चीज होता है भाई, आराम से खेलना पड़ेगा, जितना हो सके भाई हम लोग को स्ट्रोक शॉट या पुश के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। साइन अफरीदी, रोहित शर्मा, ये शॉट भाई T20 के अंदर कितना अच्छा खेलता है भाई, इसका अंदर एज, क्या स्विंग करी है बॉल भाई। भाई टेस्ट पिच अब लग रहा है हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं भाई, पहला ओवर पहला सीजन के अंदर ही पहला विकेट गिरा दी, एक रन भी नहीं हुआ। अब विराट कोहली और शुभमन गिल को यहाँ पे हाल बेहाल करना पड़ेगा, मतलब दोनों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप कर लूँ। पर पुश शॉट खेलने मुझे डर लग रहा है, क्योंकि पीछे ना 2 स्लिप खड़ा है, इसके बाद 3 स्लिप आएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमारा कॉन्फिडेंस मीटर अप हो रहा है यहाँ पे भाई। लिटरली टेस्ट मैच मुझे पता है भाई थोड़ा बोरिंग है, पर लिटरली खेलने में मजा आ रहा है, मतलब डिफेंसिव खेल के मजा आ रहा है। अच्छा जो तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे से तू मरती है। अब टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा गाना वाना गाना पड़ेगा भाई लिटरली, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सहन से बैठना पड़ेगा, मुझे भी खेलना पड़ेगा। तो सीधा एक बार उठा कर खेलूं भाई, सीधा कोई फील्डर नहीं है यहाँ पे। ओ क्या फील्डर, ओ चार रन, पहला चार हमारे शुभमन गिल गिली बल्ले से। चलो शुभमन गिल तो थोड़ा, मतलब पहला चार रन हमारे इस टेस्ट मैच के अंदर। नसीम साहब भाई गेंद तो स्लॉट में लग रही है, सीधा खेल दूं, ये भी चार है, नाइस। देखो अगर मेरे स्लॉट में गेंद आ रहा है तो मैं तो मारूंगा भाई, ये तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो डिफेंस खेल लो भाई, ये तो टेस्ट मैच का रूल आई थिंक, आ रहा है तो मारो। अब विराट कोहली के थोड़ा कोन में गेंद आ रहा है भाई, विराट कोहली इस तरह ही आउट होता है यहाँ पे, शिट मैन, फिर से मारने गया था, स्लॉट में गेंद था भाई और बॉल मतलब पता नहीं स्लोअर बॉल था या मतलब आउट कटर था, इन कटर था, क्या था यार, ऑफ कटर था क्या, देखा नहीं है मैंने ठीक तरह से, देखा नहीं है भाई। नहीं भाई आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा भाई, मतलब स्लीप कैच विराट कोहली का जन्म जन्मांतर का एनिमी है, चारों तरफ मुझे गैप दिख रहा है पर मारना बहुत मुश्किल है। ओ शॉट, चार रन, ऊंचा बॉल था भाई, शॉर्ट पिच गेंद था पर जबरदस्त मारा यहाँ पे, अच्छा फास्ट बाउंसर था, शॉर्ट पिच गेंद था बस फास्ट बाउंसर भी था। गिल का कॉन्फिडेंस बहुत अप हो चुकी है, मारना पड़ेगा, ओ मारो 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 मारो, यस। सेशन वन के अंदर भाई जितना हो सके रन हम लोग धकेल देंगे भाई, क्योंकि सेशन टू भाई आज नहीं खेलेंगे, गुजरा ऑन स्ट्राइक, ये तो डिफेंसिंग का बादशाह है भाई यहाँ पे। शॉट,
कनेक्शन एकदम ओके कनेक्शन था यहाँ पे, पूरा गैप में था। चलो ये भी थोड़ा सेट हो रहा है धीरे धीरे, अब लग रहा है हम लोग टेस्ट खेल रहे हैं। लास्ट बॉल इस ओवर का, आई थिंक सेशन का भी लास्ट बॉल यहाँ पे। डिफेंस, ये डिफेंस बहुत ही खतरनाक है भाई, यहाँ पे स्लिप खड़ा है, आराम से कैच भी हो सकता है यहाँ पे। तो आई थिंक सेशन हाँ चलो, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाना है इसलिए बहुत ही कम किया, पर नेक्स्ट सेशन हम लोग बहुत ही बड़ा करेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट इनिंग्स हम लोग बहुत ही बड़ा करेंगे, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी तक अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।